अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आपका आज का टॉपिक है अलजेब्रा। आप जानते हैं हमारे पास नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। तो आज हम वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिन्हें हम लिटरल्स भी बोलते हैं। वेरिएबल्स में कौन आते हैं, ये जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी हमारे एक्स वाई जेड, ये हम वेरिएबल्स में यूज करते हैं। जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं हम इन्हें वेरिएबल में यूज करते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो वेरिएबल की नो फिक्स वैल्यू, उसकी आप देखते हैं कई बार किसी एक सवाल के अंदर x का इक्वल में 5 आ रहा है, तो किसी और सवाल में x की कुछ और वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो x क्या है, एक वेरिएबल है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। उसके अलावा हमारे पास होते हैं कुछ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या है, उनकी फिक्स्ड वैल्यू है। उनकी क्या है, फिक्स्ड वैल्यू। जैसे कि आप देखते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे कोई भी नंबर, या -7, -9 या 2/3। तो ये 2/3 है, तो ये 2/3 ही है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। कोई 4 है तो वो 4 है। कहीं पर 4 लिखा हुआ आया आपके पास, आप इसको 4 ही काउंट करोगे। आप इसे ये नहीं कहोगे कि ये यहाँ पे 5 के बराबर है या ये 10 के बराबर है, नहीं, 4 है तो ये 4 ही है। लेकिन कहीं पर x लिख के आ गया या y लिख के आ गया, तो यहाँ x और y की वैल्यू अगर 5 है तो आप ये नहीं बोल पाओगे कि किसी और क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू 5 ही होगी, वो कुछ और वैल्यू हो सकती है वहां पर, ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। बट यहाँ पर कॉन्स्टेंट जो भी होते हैं, हमारे जितने भी नंबर होते हैं, जो भी आप नंबर लिखते हो, वो सब कॉन्स्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो एलजेब्रा में होता क्या है कि जो हमारे कॉन्स्टेंट हैं, उन कॉन्स्टेंट को वेरिएबल के साथ कंबाइन करना। जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे कॉन्स्टेंट नंबर के साथ कंबाइन किए जाते हैं हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से हैं, हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन है हमारे, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, यही है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन। हम वेरिएबल को कॉन्स्टेंट के साथ जब कंबाइन करते हैं तो वहां पर इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम एक्सप्रेशन कहते हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं हम उन्हें, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए कहीं पर हमारे पास कुछ वेरिएबल है, मान लो कि x है, और कहीं पे कुछ कॉन्स्टेंट है वो है 5। इसको कैसे ज्वाइन करा सकते हो आप x प्लस 5 लिख सकते हो ना, ठीक हो, x माइनस 5 लिख सकते हो, या फिर 5 प्लस x लिख सकते हो, या 5 माइनस x लिख सकते हो, या x लिख सकते हैं। मतलब जब कई सवाल के अंदर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल x मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हो, या 5 मल्टीप्लाई x लिख सकते हो, ठीक है, x डिवाइड बाय 5 लिख सकते हो, या 5 डिवाइड बाय x लिख सकते हो। मतलब ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे कंबाइन होने के तरीके हैं इनके। x प्लस 5 और 5 प्लस x तो एक ही बात होती है, लेकिन x माइनस 5 और 5 माइनस x दो अलग अलग सॉल्यूशन के लिए आते हैं, सेम नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो बात क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे कि कंबाइन कैसे किया जा सकता है, प्लस के साथ, माइनस के साथ,
मल्टीप्लाई के साथ, डिवाइड के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं। ये सब हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। एल्जेब्रा में हम इसी प्रकार के एक्सप्रेशन को देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए 5x प्लस 9y माइनस 2xy प्लस 3x2 माइनस 8x4xy2। ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कितने टर्म हैं, कोई बता सकता है? टर्म किन्हें कहते हैं? देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये जो हमारे प्लस माइनस या माइनस प्लस से जो जुड़ रहे हैं, कौन कौन? 5x और 9y प्लस की वजह से एक दूसरे से कंबाइन हो रहे, और 9y और 2xy के बीच में एक नेगेटिव का साइन है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है साइन। हमारे यहाँ पर टोटल 5 टर्म्स हैं। ये कितने टर्म्स हैं? ये दिख रहा है 5? 1 2 3 4 5, पांच टर्म्स है ना। और इन पांचों को अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो हमारे टर्म्स कौन कौन से बन जाएंगे? एक हो गया हमारा 5x, दूसरा कौन हो जाएगा? 9y, तीसरा क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव का साइन है वो अपने नेगेटिव के साथ बोला जाता है, प्लस वाले के साथ प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो प्लस ही माना जाता है, नहीं भी लगाते हैं तो। लेकिन नेगेटिव वाले के साथ उसका नेगेटिव बताया जाता है, ठीक है। तो ये 5 टर्म्स थे हमारे, और पांचों टर्म्स को इस तरह से हम अलग अलग करके लिखते हैं। तो अब आप देखिए, अगर कहीं पर 5x है, कहीं पर 5x प्लस मान लो 9y हो, या 5x माइनस 7 हो, या 3xy प्लस 8 हो, ठीक, यहाँ पर ये 5x है, या फिर माइनस 2x/3x 3y है, या 3x प्लस 4y माइनस 8 हो, 7x 7/3x माइनस 8xy प्लस 9 हो, आप क्या देख रहे हैं? इसके अंदर कितने कितने टर्म हैं? इसमें आपके पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है। तो बीच में कोमा लग गया, ऐसा मतलब अकेला है, ये अकेला है। तो इस प्रकार के इनको कहते हैं वन टर्म। क्या बोलते हैं? वन टर्म वाला। और वन टर्म वाले को हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। और इसके अंदर एक दो टर्म बने पड़े, टू टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं ये? और टू टर्म्स को हम कहते हैं बाइनोमियल। और यहाँ कितने टर्म है? 1 2 3, 1 2 3, तीन टर्म्स हैं। तो थ्री टर्म्स वाले को हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, बात समझ में आई? किसको क्या कहते हैं? जिसमें एक टर्म है वो मोनोमियल, दो टर्म वाला बाइनोमियल, तीन टर्म वाला ट्राइनोमियल, ठीक है, ठीक है। और चार टर्म वाले को जिसमें फोर टर्म्स हो उसको कहते हैं हम क्वाड्रिनोमियल। क्या बोलते हैं? ठीक है, क्वाड्रिनोमियल्स बोलते हैं ये, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल। और जिसमें फाइव टर्म्स हो पेंटानोमियल। क्या बोलते हैं उसे? पेंटानोमियल। सिक्स टर्म्स वाले को क्या कहते हैं? जिसमें छह टर्म हो हेक्सानोमियल।
सेवन टर्म्स वाले को हेप्टानोमियल आठ टर्म वालों को जिसमें एट टर्म्स आ जाएं ऑक्टानोमियल नाइन टर्म्स वाले को हम बोलते हैं नॉनेमियल नॉनेमियल और टेन टर्म्स वाले को डेकानोमियल ठीक है। 10 टर्म्स तक के मैंने आपको बता दिए नाम, आपको ये 10 टर्म तक के नाम याद रखने हैं। ओके, मैंने आपको ये बताया कि टर्म्स को अलग अलग करके कैसे लिखते हैं, वो देखो ये एक एक्सप्रेशन था, उसके टर्म्स फाइव टर्म्स थे और पांचों को अलग अलग तरह से कैसे लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं टर्म्स अलग अलग। और एक टर्म वाला हो तो मोनोमियल, दो टर्म वाले को बाइनोमियल, तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल, इसी तरह से 10 टर्म तक के नाम आपको बता दिए। ओके, अब बात आती है कॉन्स्टेंट टर्म क्या होता है। मान लीजिए कहीं पर आपके पास एक नंबर ये लिखा हुआ है 2x³y+9, ठीक है। तो अगर आप इस 2x³y को देखोगे तो इसमें क्या क्या है, इसमें कॉन्स्टेंट भी है और इसी में वेरिएबल्स भी है या नहीं है। यस और जो नाइन अकेला है वो सिर्फ कॉन्स्टेंट के साथ है, किसके साथ है, उसमें कोई सर वेरिएबल ही नहीं है। है क्या इसमें कोई वेरिएबल, इसमें देखो कॉन्स्टेंट टर्म इसमें टू था और वेरिएबल कौन कौन था, एक्स भी था वाई भी था, है ना। इस वाले में 2x³y में टू तो कॉन्स्टेंट था और x³ और वाई वेरिएबल थे, और नाइन वाले में कॉन्स्टेंट कौन है, नाइन कोई वेरिएबल है ही नहीं, नहीं है ना नहीं नाइन वाले, तो सर इसलिए नहीं इसका कॉन्स्टेंट टर्म कौन हुआ फिर। नहीं हाँ, इसका कॉन्स्टेंट टर्म इज नाइन। समझ में आया कि कॉन्स्टेंट टर्म कैसे निकालना था। क्या क्या समझ में आया, पहले शुरुआत से दोबारा कहते हैं। पहले हमने जाना कि वेरिएबल क्या होते हैं, वो ए से लेके जेड तक जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब कोई वैल्यू हमें नहीं पता होती है तो उसके लिए हम लेट कर देते हैं। मान लो किसी की उम्र नहीं पता तो हम कह देते हैं लेट द एज ऑफ दिस एक्स या वाई या जेड, ऐसे उसको हम वेरिएबल के रूप में लेते हैं। और जो नंबर्स होते हैं वो सारे कॉन्स्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी फिक्स वैल्यू होती है, और वेरिएबल की कोई फिक्स वैल्यू होती नहीं है क्योंकि वो हर एक सवाल में अलग अलग वैल्यू के साथ आ जाते हैं। बट कॉन्स्टेंट जो होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो फिक्स वैल्यू के साथ होते हैं, उनकी कभी वैल्यू चेंज नहीं होती। वो -7 लिखा है तो वो -7 ही है, किसी भी सवाल में वो 8 नहीं काउंट करेंगे उसे, -7 को हमेशा -7 ही काउंट करेंगे। ठीक, हमारे पास फिर अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन है, प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई और डिवाइड है, यही हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो हम इन्हीं अरिथमेटिक ऑपरेशंस की मदद से वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को जोड़ते हैं, चाहे वो प्लस से जोड़ रहे हो, चाहे माइनस से, चाहे मल्टीप्लाई से या डिवाइड से, उन्हीं से जोड़ करके हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार करते हैं। जब हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है तो हम पहले ये पता करते हैं कि कितने टर्म का है। अगर टर्म कैसे पता करते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया, जैसे 1 2 3 4 5 नंबर लिख दिए, उनके पास तो 5 टर्म का था, उनके टर्म्स को अलग अलग अगर लिखने की जरूरत पड़ी तो प्लस वाले के पास तो हम कुछ नहीं लगाते, लेकिन माइनस वाले के साथ उसका माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक, और उनके बीच में लगा देते हैं कोमा। जैसे कि आपका एक्सरसाइज 9.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या मांग रहा है वो, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैं अगर हम अगर यहां से स्टार्ट करते हैं आपकी, तो
मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.1 का। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे उसके सारे टर्म्स मांगे हैं, तो मैं आपको फर्स्ट वाले का फर्स्ट कर देता हूँ। 4x³ - 6y² + 7xy - 9y और - 3। तो इसमें कितने टर्म है? 1, 2, 3, 4, 5 टर्म। कितने टर्म है इसमें? 5 टर्म। कौन कौन से वो है? 4x³ - 6y² - 7xy फिर -9y देन फिर कोमा और लास्ट में -3। ठीक है, लिख दिए ना टर्म? ये बाकी के भी आप कर ही लीजिएगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, डू योर सेल्फ। हो जाएगा? अब जैसे आपका सेकंड वाला है, उसमें हमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल ऐसे नाम बताने हैं हमें। जैसे आपका फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में है आपका 7x + 5yz। कितने टर्म्स हैं इसके अंदर? 2 टर्म्स हैं। तो क्या नाम हुआ इसका? बाइनोमियल। हो गया है ना। और अब जैसे थर्ड है, थर्ड में क्या लिखा है? 21। एक ही टर्म है ये हमारे पास। क्या नाम हुआ इसका? क्लियर हो जाएगा? ऐसे नाम दे देना सबके, तो आपके पास सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। डू योर सेल्फ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए। 3 क्या कहता है आपको? जी कॉन्स्टेंट टर्म बताने हैं। राइट द कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ। अब जैसे हमने इनमें से एक ले लिया आपका, कोई सा भी उठा लो, क्या फर्क पड़ता है, सिक्स ले लेते हैं। x + y + z + 3/5, तो इसका कॉन्स्टेंट टर्म कौन है जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए? बस यही आंसर है। हो गया? इसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके बाकी आप कर लीजिएगा। कौन कौन से रह गए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। डू योर सेल्फ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स, जो टर्म्स लाइक हैं। अब लाइक और अनलाइक समझना है पहले। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? ये क्वेश्चन हटा देता हूँ। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन से होते हैं? आप कह सकते हैं टर्म्स which have same variables with same power, power from exponent की बोलते हैं।
मतलब उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए और वो वेरिएबल भी सारे सेम होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाते हैं, लाइक टर्म्स कहलाते हैं। अनलाइक टर्म्स में क्या हुए, इसमें वेरिएबल्स बेटा, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, वेरिएबल्स विच हैव नो, सॉरी सॉरी, टर्म विच हैव नो सेम वेरिएबल और सेम पावर, मतलब वो टर्म्स जिनके सेम वेरिएबल नहीं होंगे या फिर सेम पावर्स नहीं होंगी वो अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब इसके लिए एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आएगा, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन नंबर हमने उठाया, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में फर्स्ट आपका था एक्स की स्क्वेयर कोमा -2y² कोमा 3x कोमा 1/2x² यहाँ पर अगर आप देखो तो एक्स स्क्वेयर अगर यहाँ है तो कोई और भी एक्स स्क्वेयर अकेला ये 1/2 के साथ है, तो लाइक टर्म्स यहां पर बनेंगे आपके, लाइक टर्म्स हैं एक्स स्क्वेयर एंड 1/2x², ये दोनों लाइक टर्म्स। हाँ जी, इसमें हमें वेरिएबल्स देखना है कि किसके पास सेम है। अब आप देखो यहां पर एक्स तो यहां भी है, दिख रहा है आपको, और एक्स यहां भी है और एक्स यहां भी है, तीन जगह एक्स दिख रहा है। लेकिन लेकिन अगर हम इनके लाइक होने की बात करेंगे तो उनकी पावर्स पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे टू यहां है, यहां तो है नहीं, तो वो टू यहां है, सेम हो गया, तो एक्स की स्क्वायर और 1/2 एक्स की स्क्वायर ये दोनों लाइक हैं, इन्हें लाइक टर्म्स कहते हैं। ओके अभी जैसे एक और निकालता हूं मैं, सेकंड वाला उठाते हैं, सेकंड वाले में बोला है एक्स वाई कोमा -1/2 xy फिर कोमा -y z। बेटा किसी के यहां से साउंड आ रहा है, उसको आप माइक को ऑफ कर लीजिए, कॉमा 3 yz। अब देखते हैं इसमें हमारे पास लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। अगर हम लाइक टर्म्स की बात करें तो हमारे पास एक तो हो गया एक्स वाई वाले के साथ -1/2 xy, क्योंकि दोनों के पास एक्स वाई हो गया, सेम हो गया ये, तो इसके पास एक्स वाई था तो इसके पास भी एक्स वाई है या नहीं है, ये दोनों लाइक हैं। इनके अलावा और भी है, जैसे कि लाइक टर्म्स अलग से और भी है, वो हैं जैसे आपका -y z था तो एक थ्री के पास भी yz ही था, है या नहीं है, सिंगल वाई सिंगल जेड, सिंगल वाई सिंगल जेड, ओके। तो इसलिए ये भी लाइक टर्म्स हैं। एक्स वाई वाले के लिए एक्स वाई वाला ही लाइक टर्म होगा और वाई जेड वाले के लिए वाई जेड वाला ही लाइक टर्म होगा, एक्स वाई वाले के लिए वाई जेड वाला लाइक टर्म नहीं होता, है ना। तो लाइक टर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो एक्स वाई वाले के लिए एक्स वाई वाला है और वाई जेड वाले के लिए वाई जेड वाला है। समझ में आया कुछ? ठीक है, इसका एक फोर्थ वाला भी करा देता हूं मैं आपको, फोर्थ भी करा देता हूं, एक्स वाई जेड कोमा एक्स जेड स्क्वेयर वाई कोमा एक्स वाई
z square comma z square xy comma x square yz. ठीक है, सबसे पहले हम लाइक टर्म्स की बात करते हैं. सब किसको उठाते हैं, पहले हम लेते हैं एक्स वाई जेड. क्या एक्स वाई जेड वाला सभी के पास एक्स वाई जेड है या नहीं है? पहले वाले में भी एक्स वाई जेड, दूसरे में भी एक्स वाई जेड, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवे में भी. लेकिन पहले वाले एक्स वाई जेड को अगर हम देखते हैं तो एक्स भी अकेला है, वाई भी अकेला है, जेड भी अकेला है. लेकिन बाकियों में कभी जेड के ऊपर दो है तो कभी एक्स के ऊपर दो है, मतलब उनमें बदल रहे हैं ना. जैसे कि अगर हम बात करें x z स्क्वायर y, इसके साथ है x अकेला है, y अकेला है और z के ऊपर 2 होना चाहिए, वो ये भी है. x अकेला है, y अकेला है और z के ऊपर 2 होना चाहिए, ये भी हमारा. z के ऊपर 2 है, x अकेला और y अकेला है. आगे पीछे हो जाने से फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर वाई और जेड. अब देखो हमारे पास जो लाइक टर्म्स आए हैं ना, आप देख रहे हो कि जेड के ऊपर 2 है और एक्स अकेला और वाई अकेला. इस वाले में भी जेड के ऊपर 2 है, एक्स अकेला है, वाई अकेला. इस वाले में भी जेड के ऊपर 2 है, एक्स अकेला है, वाई अकेला है. तो हमारा ये लाइक टर्म्स है ये तीनों. एक्स वाई जेड वाला कोई मिला नहीं इसलिए इसका नहीं मिले. अकेला एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स की टू वाला था ही नहीं कोई, तो ये भी हटा दो. हमारे पास जो लाइक टर्म बचा है वो है ये लाइक टर्म्स हैं हमारे, ये तीन. ये तीनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि तीनों में एक्स अकेला अकेला है, वाई भी अकेला अकेला है और जेड के ऊपर 2 है, जेड के ऊपर 2 है, जेड के ऊपर 2 है. सेम है ना, ये समझ में आया? तो ये है आपका लाइक टर्म. कैसे लिखेंगे आपका, बस मैंने थर्ड छोड़ा है वो आप कर लीजिएगा. नेक्स्ट कितने हो गए आपके, क्वेश्चन नंबर 4 हो गए. आज के लिए मैं इतना ही दे रहा हूं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. आज की क्लास यहीं पर रखते हैं. आप लोग सब बच्चे अटेंडेंस दे दीजिए. मैं आपको एक काम सेंड करता हूँ, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा. और हाँ, नोटबुक में लिखिएगा, नेक्स्ट टाइम जब आप हम स्कूल में मिलेंगे तो आपकी ये कॉपी को मैं चेक करूंगा.